हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एक बर्तन ली, इसमें हमने 4 चम्मच भर के तेल डाल दिए और 4 मीडियम साइज के प्याज को हमने इस तरह से बारीक बारीक से चॉप कर लिए। तेल गर्म होने पर हमने सारे प्याज को इसमें डाल दिए। और एक कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल डाले हैं। तेल गर्म होने पर हमने चिकन को 1 किलो चिकन डाल दिए, जिसे हमने अच्छी तरह से धो लिया था। हमने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दिए और 1 चम्मच हल्दी डाल दिए। फिर आज चाहे तो प्याज लाल होने के बाद चिकन डाल सकते थे, हमें जल्दी थी इसी वजह से हमने एक कढ़ाई में चिकन को डाल कर लिए हैं। प्याज हमारा लाल हो गया है। हम प्याज में 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा पानी मिलाकर डाल दिए हैं और इस तरह से हम चला ले रहे हैं। हमने 2-3 प्याज के मिर्चा को हमने इस तरह से रफली चॉप कर लिया। 3 टमाटर को हमने इस तरह से काट लिया। एक चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए, ये 1 चम्मच नॉर्मल मिर्च, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा गोल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, फिर हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया टेस्ट के मुताबिक और इस तरह से हमने चला देंगे। और हम सारे टमाटर को इस तरह से चलाकर मिक्स कर ले रहे हैं। हमारा चिकन गल गया है और हम इसी मसाले में डाल दिए चिकन को। वैसे ये चिकन मसाला और ये गरम मसाला, दही 1 छोटी प्याली और ये 2 छोटी प्याली। हम इस तरह सभी को चला लेंगे। फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हम इस तरह से कसूरी मेथी को दोनों हाथों से क्रश करके डाल दिए और 4 लौंग, 2 इलायची भी हमने ऊपर से डाल दिया। जायफल को हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इससे जायफल को हम घिस के डाल दिए हैं दोस्तों। अब हम ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए। देखिए हमारा चिकन कैसे तेल छोड़ दिया दोस्तों, लाल लाल। हमारा चिकन तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से
लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। देखिए कितनी मेहनत से बना है, बाहर भी